नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 15 में, जो नगर पालिक निगम सिंगरौली को वार्ड क्रमांक 15 है। और यहाँ जो है सुबह से ही लाइट कटी हुई है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, मृत्युंजय सिंह जी जो है आम आदमी पार्टी से बैठे हुए हैं धरने पर, आखिर क्या पूरा मामला है, क्यों इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा बिजली के कारण? आज दिनांक 12 बजे दिन से ही पूरे शंकर मार्केट में बिजली नहीं है और 112 से लेके हर जगह हम लोगों ने जानकारी दी। पूरे शंकर मार्केट वासी ने सूचना दी, बिजली विभाग को फोन लगाया, लाइनमैन को फोन लगाया, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के तरफ से किसी तरह की उचित कार्रवाई नहीं हुई। और इस दुर्व्यवस्था को देखते हुए हम लोग को यहाँ धरने पर बैठना पड़ा। इस अव्यवस्था को देखते हुए हम लोग को धरने पर बैठना पड़ा कि बिजली विभाग इस तरह से जनता के साथ धोखा दे रही है। बिजली बिल लेने में कहीं भी चुकती नहीं है और बिजली की व्यवस्था एकदम ही बदतर से भी महाबदतर है। इसलिए हम लोग को यहाँ बैठना पड़ा। हमारे शंकर मार्केट वासी हैं, सब लोग हम लोग बैठे हैं। ये शिवराज का राज नहीं है, ये जंगल राज है। ये जंगल राज है। इस जंगल राज में लोगों को किसी तरह से अपने आप को बचाना है और अपने आप की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए स्वयं लड़ाई लड़ना है। इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं, बाकी कोई बात नहीं। कब तक धरने पर बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। इस संदर्भ में किससे किससे बिजली विभाग के लोगों से किसी से बात हुई? बिजली विभाग के सारे लोग से बात हुई। पहले तो उन लोगों ने बात की, उसके बाद हम लोगों ने हेल्पलाइन 112 नंबर पर भी फोन लगाया, कई बार बात हुई, कई लोगों ने फोन लगाया, उसके बाद सारे बिजली विभाग के लोगों ने, लाइन मैन से लेकर सारे लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद हम लोग मजबूरन यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक आप लोग धरने बैठे रहेंगे? तब तक हम लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। कपड़े नंबर। चलिए ठीक था। ये मृत्युंजय सिंह जी थे आम आदमी पार्टी से और इनका कहना है कि जब तक जो है लाइट नहीं आएगी तब तक जो है हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। और बिजली विभाग की तरफ से जो है सभी लोगों से इन लोगों ने बातचीत किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अभी भी बिजली कटी हुई है। अब देखिए ये तक कब तक ये लोग धरने पर बैठे रहते हैं और बिजली कब आती है। नमस्कार।